जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आज बात करें कि आज के समय में एमए के बाद में हमें क्या करना चाहिए, हमें जॉब करनी चाहिए या फिर हमें स्टडी करनी चाहिए। स्टडी करें तो स्टडी में हमें क्या करना चाहिए, हमें पीएचडी करना चाहिए, बीएड करना चाहिए या फिर हमें कोई और कोर्स करना चाहिए। तो साथियों, आज मैं आपको पूरी डिटेल में बताने वाला हूं कि आपको एमए के बाद में क्या करना सही रहेगा। तो यदि आप भी जानना चाहते हैं तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आज की वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है। यदि आप पूरा वीडियो देख लेते हैं तो आप डिसीजन ले पाएंगे कि एमए के बाद में क्या करना सही रहेगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरीके की इंफॉर्मेशन वीडियो लाता रहता हूं। तो साथियों, बात करते हैं सबसे पहले कि एमए के बाद में जॉब किसको करना चाहिए और स्टडी किसको करना चाहिए। तो साथियों, यदि आपके पास समय है, आपको फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम नहीं है, फैमिली का कोई प्रेशर नहीं है, तो मैं आपसे सजेस्ट यही करूंगा कि पहले आप अपनी स्टडी को पूरा करें। अब स्टडी में भी और क्या करना चाहिए, तो साथियों, यदि आपको जाना है टीचिंग लाइन में, आपको टीचर बनना है, आपको स्कूल टीचर बनना है, प्राइमरी लेवल से लेकर ट्वेल्थ क्लास तक का आपको टीचर बनना है, किसी एक सिंगल सब्जेक्ट का आपको लेक्चरर बनना है, तो उस सब्जेक्ट से आपने अपना एमए किया ही होगा। तो मैं आपको सजेस्ट यही करूंगा आप अपना बीएड जरूर करें। आप एमए के बाद में बीएड कर सकते हैं, क्योंकि एमए में बीएड करने के बाद में आपको वो सब सारी चीजें सिखाई जाती है बीएड में, जो टीचिंग स्किल्स हैं। बीएड यदि आप करते हैं एमए के साथ साथ, आपको काफी सारे बेनिफिट हो जाते हैं, जैसे आप पीजीटी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं और भी काफी सारे बेनिफिट हो जाते हैं। तो आपको यदि टीचिंग लाइन में जाना है तो आप एमए के बाद में बीएड कर सकते हैं। यदि आपका मिशन और विजन बड़ा है तो आप क्या कर सकते हैं, एमए के बाद में क्या कर सकते हैं, आप अपना यूजीसी नेट का एग्जाम दे सकते हैं और देना भी चाहिए। यदि आपने एमए अपना कंप्लीट कर लिया है तो मैं आपको सबको यही सजेस्ट करूंगा कि आप यूजीसी नेट का एग्जाम जरूर दें, उसके लिए तैयारी आप जरूर करें। यदि आपका यूजीसी नेट का एग्जाम क्लियर हो जाता है तो आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर पढ़ा सकते हैं। आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं कि आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एज असिस्टेंट प्रोफेसर पढ़ा सकते हैं। और यदि आपका यूजीसी नेट में अच्छा स्कोर आ जाता है तो आपको मिल जाता है जेआरएफ, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, यानी कि आपको पीएचडी करने के लिए क्या मिलते हैं, पर मंथ पैसे मिलते हैं। और जो ये अमाउंट होता है 5 साल तक आपको दिया जाता है और काफी अच्छा अमाउंट होता है। तो 5 साल में जो आपको ये अमाउंट दिया जाता है, लगभग आपका 25 लाख रुपए तक आपको ये अमाउंट दिया जाता है। इसमें आपका 3 साल तक आपको जेआरएफ दिया जाता है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, और 2 साल तक आपको एसआरएफ दिया जाता है, सीनियर रिसर्च फेलोशिप। यदि आपका यूजीसी नेट का एग्जाम भी क्लियर नहीं होता है तो आप डायरेक्ट पीएचडी कर सकते हैं। जितनी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है तो आप अपना डायरेक्ट एमए के बाद में आप क्या कर सकते हैं, पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि एमए के बाद में आपको एमफिल करना पड़ेगा तब आप पीएचडी करेंगे, क्योंकि नई शिक्षा नीति लागू हो चुकी है, तो अब जो आपका एमफिल कोर्स है उसको हटा दिया गया है। तो अब आप एमए के डायरेक्ट बाद क्या कर सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं। साथियों, ये तो वो कोर्सेज हैं, यदि आपके पास समय है तो आप इन कोर्सेज को कर सकते हैं, अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं। यदि आपके पास समय नहीं है, आप फाइनेंशियल स्ट्रांग नहीं है, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, एमए के बाद में आप अपना जॉब स्टार्ट कर सकते हैं। एमए के बाद में आप अपना टीचिंग में जॉब स्टार्ट कर सकते हैं, जिस भी सब्जेक्ट से आपने अपना एमए किया है उससे आप अपना प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ा सकते हैं। आप गवर्नमेंट के लिए तैयारी कर सकते हैं, प्राइवेट के साथ साथ आप प्राइवेट जॉब कर सकते हैं और उसके साथ साथ आप गवर्नमेंट के लिए तैयारी कर सकते हैं। इसके साथ साथ साथियों, जिस भी सब्जेक्ट से आपने अपना एमए किया है, एमए होता है किसी भी एक सिंगल सब्जेक्ट से, तो उस सब्जेक्ट से आप क्या कर सकते हैं, अपना कंटेंट राइटर बन सकते हैं, ब्लॉगिंग कर सकते हैं। और साथियों, जिस भी सब्जेक्ट से आपने अपना एमए किया है उस सब्जेक्ट को लेकर के आप अपना कोचिंग सेंटर खोल सकते हैं, उस सब्जेक्ट से आप टीचर बन सकते हैं, यानी कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। इसके साथ साथ साथियों, जिस भी फील्ड में आपका इंटरेस्ट है, किसी भी एक पर्टिकुलर फील्ड में आपका इंटरेस्ट है और वो आपका एमए से रिलेटेड नहीं है, तो आप ऐसा मत सोचे कि हमने एमए कर लिया तो अब हम उसमें जाएंगे तो क्या हमारा करियर बन पाएगा या नहीं बन पाएगा। तो यदि आपका किसी एक दूसरी फील्ड में इंटरेस्ट है, आपको कंप्यूटर की फील्ड में जाना है, तो उसमें आप अपना डिप्लोमा कोर्सेज करके जा सकते हैं। मैं कंप्यूटर की बात नहीं कर रहा हूं, किसी भी और दूसरी फील्ड में यदि आपका इंटरेस्ट है तो आप उसको जरूर ट्राई करिए, आप उसमें जरूर जाइए। जैसे आपको बोलना अच्छा लगता है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है, तो आप जर्नलिज्म की तरफ जा सकते हैं, आप बीजेएमसी कर सकते हैं, आप डिप्लोमा कोर्सेज उसमें कर सकते हैं। यदि आपको फोटोग्राफी अच्छी लगती है तो आप उसकी तरफ जा सकते हैं, आपको एनिमेशन अच्छा लगता है तो आप उसका डिप्लोमा कोर्स करके उसमें करियर बना सकते हैं। तो बहुत सारे आज की डेट में डिप्लोमा कोर्सेज बना दिए गए हैं, तो आप अपना 6 महीने या 1 साल का डिप्लोमा कोर्स करके उसमें करियर बना सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपने एमए कर लिया तो यार इसी में करियर बनाना है, इसी में हमें आगे बढ़ना है, ऐसा नहीं है। तो यदि आपका मिशन और विजन बड़ा है और किसी आपका दूसरी फील्ड में भी आपको जाने का मन है, तो आप जरूर ट्राई,
करिए, आप उसमें जरूर अपना करियर बना सकते हैं, आप उसमें अच्छा कर सकते हैं। तो साथियों ऑलमोस्ट मैंने सब सारी चीजें आपको क्लियर कर दिए हैं, सारे डाउट क्लियर कर दिए हैं। यदि अभी भी आपको कोई डाउट रह गया है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं जितने जल्द से जल्द होगा उसका आंसर या उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए साथियों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।